नमस्कार एवरीवन, आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.3 सॉल्यूशन चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, सो वेलकम टू पाइथन क्लासेस। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने 2.2 इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, 2.3 इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ आप उसे देखिएगा। आई गारंटीड आप अगर आपने वो देख ली तो आप इस एक्सरसाइज को खुद से ही सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सो अगर आप खुद से सोल्व कर पा रहे हैं तो आप, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 अगर खुद से कर लिया तो आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है और आप कंफर्म करना चाहते हैं आपके सॉल्यूशन को, देन आप कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या कहा था कि रिलेशन और फंक्शन को कंपेयर करके बताया था कि रिलेशन कब फंक्शन होता है, कब नहीं होता है, है ना। सो गिव रीजंस, अगर कौन से रिलेशंस फंक्शन है, गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। सो टू हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है। और फंक्शन की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें दो पॉइंट्स थे कि हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। और हमारे, जैसे देखिए, हमारे पास ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, अगर मैं इसको बाई डायग्राम मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, देखिए 2, 5, 8, 11, 14, 17, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, लेट्स से, एंड द सेकंड एलिमेंट इज 1, 1, 1, 1, 1 एंड 1। सो हमारे पास सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू 1, सो 2 का पेयर भी किस बन रहा है 1 के साथ, इसका भी, एंड सभी एलिमेंट्स का जो सेट ए में है उनका पेयर 1 से बन रहा है। सो जो फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, मैं उसकी रिकॉल कर रहा हूँ कि जो सेट ए होगा उसके सभी एलिमेंट्स की सिर्फ और सिर्फ 1 ही इमेज होनी चाहिए, गॉट इट, और सारे एलिमेंट्स की होनी चाहिए, मींस कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। सो यस, आई कैन से कि ए सेट के हमारे पास सभी एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज है, ये केस पॉसिबल है। बट अगर उल्टा होता कि, है ना, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए समझ जाएंगे आप। सो यस, आई कैन से दैट दिस इज ए फंक्शन बिकॉज इट सेटिस्फाई बोथ कंडीशंस ऑफ फंक्शन। सो यस, इट इज ए फंक्शन क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, गॉट इट। अब गिव रीजंस, क्यों रीजन, रीजन क्या है हमारे पास, बताइए जरा। बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, एवरी सेट ऑफ, देखिए 2 की सिर्फ एक ही इमेज है, 5 की सिर्फ एक ही इमेज है, 8 की सिर्फ एक ही इमेज है, समझे। एवरी सेट ऑफ एलिमेंट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, गॉट इट, सभी के एक ही इमेज बनी ही हुई है और कोई भी एलिमेंट हमारे पास लेफ्ट नहीं है। सो इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, अब मुझे बताइए डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 2, 5, 8, 11, 14, 17, सिंपल, 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, यही तो हमारे पास डोमेन है। और रेंज क्या होगा इसके अंदर, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज 1, 1, 1, सो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो डोमेन इज वॉट, डोमेन इज 1, गॉट इट। सो ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। सो अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूँ तो आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, सेम अगेन सिंपल क्वेश्चन। सो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, हमें दिख रहे सारे एक ही एलिमेंट है, मींस रिपीटेटिव एलिमेंट्स नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट रिपीटेटिव, अगर रिपीटेटिव होगा तो फंक्शन नहीं होगा, समझे मेरी बात, क्या कह रहा हूँ, समझेंगे हम। सो अगर मैं ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस तरीके से, सो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट देखिए आप, क्या कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी एक इमेज बनी हुई है, 2 की 1 के साथ, 4 की 2 के साथ, 6 की, 8 की, 10 की, 12 की, 14 की, ओके। सो क्या मैं कह दूं कि ये रिलेशन भी हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, बिकॉज रीजन क्या लिखेंगे, जो ऊपर लिखा आपने, है ना, यस एवरी सेट ऑफ एलिमेंट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। अब आप मुझे बताइए डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मीन्स वॉट, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14,
यही तो होगा हमारे पास, क्या डोमेन। एंड रेंज इज व्हाट? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट इज व्हाट? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इज व्हाट इज कॉल्ड रेंज। इट इज कॉल्ड रेंज। और सभी डोमेन्स की एक ही इमेज बनी हुई है और कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई सेट गिवन नहीं है, तो तभी तो पता चलेगा कि कोई एलिमेंट लेफ्ट नहीं है, कोई छूटा ही नहीं है। सो इट मीन्स वॉट? जैसे इसमें हमारे पास सारे एलिमेंट्स एंगेज्ड है वन के साथ, कोई एलिमेंट छूटा ही नहीं हुआ है। सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, हैंस इट इज कॉल्ड अ फंक्शन। हैंस इट इज कॉल्ड अ फंक्शन। गुड। नेक्स्ट 1, 3, 1, 5 एंड 2, 5। देखिए क्वेश्चन को देखते ही मैं समझ में आ रही है चीज़। यहाँ पर भी वन है और यहाँ पर भी वन है। इट मीन्स वॉट? कि आपके पास वन की दो इमेज है। समझो समझो, यही चीज़ इस क्वेश्चन में, यही देखो। फर्स्ट इमेज में फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है? 1, 1, 2, मीन्स वन और टू को ही लिखेंगे। गॉट इट? सेकेंड एलिमेंट 3, 5, 5, तो हम 3 और 5 को लिखेंगे। सो अब मुझे बताओ कि वन की इमेज किसके साथ है? 3 के साथ। वन की इमेज किसके साथ है? 5 के साथ। एंड टू की इमेज किसके साथ है? 5 के साथ। अब यहां पे देखो, फंक्शन की डेफिनेशन वॉयलेट हो रही है, मीन्स खत्म हो रही है। क्या? कि जो सेट ए है उसमें जो एलिमेंट वन है उसकी दो इमेज बन रही है, 3 एंड 5। बट डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? एवरी सेट ऑफ एलिमेंट, या फिर एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट। आप इसको उल्टा कर लीजिए ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। सो इट मीन्स वॉट? आप क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे तो दो इमेज बनी हुई है। अगर दो इमेज बनी हुई है तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। सो हम लिख देंगे, नो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। वाई? क्यों नहीं है? रीजन लिख सकते हो आप क्या? बिकॉज वन एलिमेंट हैज टू इमेज। वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर और डोमेन बोल सकते हैं, ऑफ सेट ए हैज टू इमेज। समझे मेरी बात? सो इस रीजन की वजह से हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? वॉयलेट हो गई, है ना। सो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप डोमेन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, है ना, सॉरी मॉड्यूल मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट को। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था और आपको समझ में आ गया होगा। सो अब देखिए, हमने देखा था मोड ऑफ एक्स, बट अब हमारे पास है माइनस मोड ऑफ एक्स। सो थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं। देखिए पहले मैं मोड ऑफ एक्स को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है? कि आप इस वैल्यू में कुछ भी वैल्यू डालें, आपको क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। -3 डालेंगे तब भी +3 मिलेगा, +3 डालेंगे तब भी +3 मिलेगा। गॉट इट? सो हमने इस चीज़ को एक छोटे से फंक्शन में हमने ब्रेक डाउन किया था, कैसे कि एक बारी एक्स रखा और एक बारी माइनस एक्स। मीन्स वॉट? ये एफ एक्स हमारे पास यही है। देखो मैं प्यार से समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझो आप, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा 11th 12th में। क्या कह रहा हूँ मैं? हमें इस फंक्शन में, ये हमारे पास एफ एक्स है, इस एफ एक्स में क्या वैल्यू रखूं कि हमें पॉजिटिव मिले। सो हमें मॉड्यूलस हटाकर, ब्रैकेट लगाना है। सो ब्रैकेट लगेगा या सिंपल ब्रैकेट लगा सकते हैं आप। सो क्या मैं कह दूं कि आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 से 0 या 0 से बड़ी कुछ भी रखो, 1, 2, 3, 4, 5, हमें वही मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5। बट अगर आपने इसमें एक्स की जगह आपने -3 रखा, तो -3 ये, -3 ये, और बाहर जो माइनस है ये, तो +3 हो जाएगा ना। इट मीन्स वॉट? हमें तो +3 चाहिए था। सो यहाँ पर इस केस में आपको एक्स लेस देन 0 रखना होगा, तभी हमें +3 मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट हमें यही चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहाँ से भी मिल रहा है, 0 से बड़े वैल्यू इसमें डालो, 0 से छोटी वैल्यूज इसमें डालो, आपको तब भी पॉजिटिव मिल रहा है। सिमिलरली सिमिलरली आप इधर आ जाइए। अब आप ध्यान से देखिए, आप पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ, है ना। देखिए ये एग्जांपल है, क्या कह रहा हूँ, आप एक काम करो, यहाँ पे 2 डालो, इस फंक्शन में 2 डालो, माइनस मोड ऑफ 2। मोड ऑफ 2 क्या रहेगा? देखो मोड ऑफ 2 तो 2 मिलेगा, बट बाहर माइनस लगावे तो उसकी वजह से माइनस मिलेगा।
ये मत कह देना कि ये माइनस हट जाएगा, नहीं हटेगा ये माइनस, क्योंकि ये माइनस बाहर लगा हुआ है, ये नहीं हटने वाला। मैंने बोला माइनस का 5 क्या होगा, मोड 5 तो 5 ही रहेगा, बट ये माइनस अलग से आ जाएगा। मैंने अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह मैं रख रहा हूँ -5, एक्स की जगह -5 रख रहा हूँ मैं, समझो मेरी बात। पहले रखा 5, हमें मिला -5, अब मैं रख रहा हूँ -5, तब क्या मिलेगा, -5 मोड, ये तो बन गया हमारे पास प्लस का 5, बट +5 और ये बाहर माइनस था, तो अगेन हमें क्या मिला, -5। कुछ समझ पा रहे हो बात को, थोड़ी गहराई में समझो, गहराई में जाओ, ये मॉडुलस की कहानी है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सो हमें ये मिल गया, अब मेरी बात सुनो, मतलब हमें नेगेटिव तो मिलना ही मिलना है, इसका तो हमने सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। अब मैं इसको इस ब्रेक फॉर्म में तोड़ूंगा, इस फॉर्म में देखिए, मुझे माइनस मोड एक्स को, मुझे मोड, जैसे इसको मोड हटा के हमने सिंपल रखा, ऐसे हमें इधर करना है। अब देखिए आप, क्या मैं कह दूं कि पहले तो मैं एक्स की अगर बात करूं, ठीक है, किसकी, चलो मैं यहाँ पे माइनस रख देता हूँ। इट मीन्स वॉट, कि अगर आप एक्स से बड़ी वैल्यू रखते हैं, देखो आपने रखा 2, आप यहाँ पे 2 रखी, एक्स से बड़ी है ना, 0 से बड़ी, सॉरी 0 से बड़ी रखिए 2, तो आपने 2 रखा, तो 2 ये और माइनस ये, तो -2 नहीं बन गया, -2 ही तो बनेगा, 2 रखने पे -2 मिलना चाहिए और हमें मिल रहा है। अगर आप एक्स के 0 से वैल्यू छोटे रखते हैं, सपोज -3, सो आप सिंपल एक्स की वैल्यू ले लीजिए, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी रखिए, सपोज -3, आपने -3 रखा और आपको -3 मिल गया, सेम वही मिलेगा यहाँ पर, सेम वही मिलेगा यहाँ पे। मैं देखिए -5 केस लेके चल रहा हूँ, आपने क्या -5 0 से छोटा है, यस 0 से छोटा है, सो -5 आप एक्स की जगह रखिए, -5 मिल गया ना, वही तो हमें चाहिए था। मतलब इन शॉर्ट, ये फंक्शन और ये फंक्शन बात बराबर है, दोनों सेम फंक्शन है। सो अब क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द डोमेन एंड रेंज। देखिए डोमेन क्या होगा, कि आप क्या चीज़ पुट कर सकते हैं, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, सो इट मीन्स वॉट, ठीक है। बट रेंज देखिए, रेंज मीन्स वॉट, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है, बिकॉज ऑफ दिस साइन, बिकॉज ऑफ दिस साइन, हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो क्या मैं कह दूं कि रियल नंबर सारे के सारे बट नेगेटिव, समझ पा रहे हो बात को, रियल नंबर सारे के सारे बट नेगेटिव, ये माइनस इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट, सो इन शॉर्ट आपको ये पोर्शन मिलने वाला है। और इन शॉर्ट मैं आपको क्या कह दूं कि माइनस इनफाइनाइट से आप 0 तक चले जाइए, क्या 0 मिलेगा, 0 भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा, आप 0 पुट करिए 0 मिल जाएगा, सो 0 भी मिलेगा, इट मीन्स ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ओपन ब्रैकेट, ये चीज़ें समझ पा रहे हैं, ओपन एंड क्लोज, है ना। सो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन है इस मॉडुलस का, होप्स आपको समझ में आ गया अच्छे से। नाउ द सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू √9 − x², अगेन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रूट का है क्वेश्चन, हमें निकालना है डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियस है कि जो रूट के अंदर चीज़ है वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव होगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, अभी जो अब तक आपने पढ़ा भी नहीं है। सो नेगेटिव नंबर तो हम चाहिए नहीं, हमें अंदर क्या चाहिए, पॉजिटिव। इट मीन्स वॉट, तो क्या मैं कह दूँ कि 9 − x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, तभी तो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा ही तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो 9 को इधर रखा, −x² को मैं उस तरफ ले गया, सेकेंड हैंड साइड, सो x², देखो इसको थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x² को इधर ले आ रहा हूँ और 9 को इधर ले जा रहा हूँ, ये जो माउथ ओपन है इसका, ये 9 की तरफ है, मैंने बात वही लिखी है, बस मैं इंटरचेंज कर दिया ना, x² को इधर ले आया, सो 9 की तरफ हमारे पास माउथ ओपन है, तो हमने वही किया, सो हमारे पास ये कंडीशन बन गई। अच्छा क्या मुझे आप इनको सोल्व करके बता सकते हो इस पार्ट को, कि x² एक बार मैं इक्वल टू 9 ले लेता हूँ, तो इट मीन्स वॉट, आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +−3, +−3, सो क्या मैं कह दूँ यहाँ पे कि जो x होगा वो -3 से तो बड़ा होगा और 3 से बड़ा होगा, आप ये वैल्यू रख सकते हो x के अंदर। अरे आप ट्राई कर लो यार, -3 रखो 0, 3 रखो तब भी 0,
आप माइनस थ्री और थ्री के बीच में कुछ भी रखिए, वन रखिए, वन, 9 माइनस 1 का स्क्वायर 8 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर आपने 3 से बड़ी रखी और माइनस 3 से छोटी रखी तो नेगेटिव बन जाएगा, और ये रूट हमारे पास नेगेटिव में बन जाएगा और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हो जाएगा। सो इट मीन्स वॉट, आपके पास जो एक्स की वैल्यू होगी वो सिर्फ यही होगी। इसका मतलब पता क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो आप डोमेन होगा ना, जो डोमेन होगा, आप सिर्फ -3 से 3 के बीच में ही वैल्यू रख सकते हैं। अरे बाबा, ये चीज़ देखो, ये -3 है, ये 3 है। सो मीन्स आप नंबर लाइन में सिर्फ यहाँ से और इसके बीच के वैल्यूज ही रख सकते हैं। अगर आपने 4 रखा या -4 रखा, सो रूट में नेगेटिव टर्म आ जाएगी, और नेगेटिव आती हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इट मीन्स वॉट, टेल मी, इट मीन्स वॉट? डोमेन क्या बना हमारे पास? ये हमारे पास डोमेन बन गया, ये हमारे पास डोमेन बन गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेंज की, देखिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, डोमेन रेंज क्या होता है? जो हमें मिलता है, हमें क्या मिलता है, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमें ये चाहिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमें ये चाहिए। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 9 माइनस x स्क्वायर, √9 माइनस स्क्वायर। ये एफ एक्स क्या है? ये एफ एक्स हमारे पास एक फाई फंक्शन ही तो है, हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से देखा था। सो क्या मैं इसको कह दूं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस x स्क्वायर? मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया है ना, ताकि रूट हट जाए यहाँ से। सो इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, वाई स्क्वायर को मैं उधर ले आता हूँ अभी तो इस केस में। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस y स्क्वायर। मैंने इस कंडीशन को यहाँ तक क्यों लेके आया? देखिए, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, वो क्या है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9 से छोटी है, 9 के इक्वल है या 9 से लेस देन है? समझ पा रहे हो बात को? 9 से छोटी या 9 से लेस देन। सो क्या मैं कह दूं कि इसकी वैल्यू 9, ये एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास? यही तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है। सो क्या मैं कह दूं, देखो अब इसको ऐसे करता हूं, दो केस बना लेते हैं। तो क्या मैं कह दूं कि 9 माइनस y स्क्वायर जो है, इसकी वैल्यू 9 से छोटी या लेस देन है? समझो, एक्स स्क्वायर क्या है? ये फंक्शन है। एक्स स्क्वायर क्या कहता है? कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से छोटी, लेस देन या फिर इक्वल टू है। हमने वही तो कहा कि इसकी वैल्यू 9 से छोटी या लेस देन या इक्वल टू है। ओके, सो इस 9 को इधर ले आता हूं, तो 9 माइनस 9 क्या बन जाएगा? 0। और ये वाई स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा? ये। सो वाई स्क्वायर फेस में वाई स्क्वायर की तरफ ही ओपन रख देता हूँ, मीन्स दोनों बातें सेम है। सो क्या मैं कह दूं कि y की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 0 से बड़ी ही मिलने वाली है? y की वैल्यू हमें 0 से बड़ी ही मिलेगी, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, या 0 के इक्वल मिलेगी हमें, ठीक है। अब देखिए, क्या हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 मिल सकती है? देखिए, क्या मैं इस बात को कह सकता हूँ कि 9 माइनस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? बिल्कुल कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये तो कह दिया 9 से छोटी, क्या एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव मिल सकता है आपको? सोचो जरा, क्या एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स हमेशा 0 से तो बड़ी ही होगी, समझे? एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही मिलने वाली है। तो इस बात को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, सो ऐसे भी कह सकता हूँ, तो 9 इधर रखा, इस वाई स्क्वायर को उधर ले गया, तो इट मीन्स वॉट? वाई स्क्वायर 9 की तरफ ओपन फेस है, सो इट मीन्स वॉट? वाई जो होगा हमारे पास वो क्या होगा? +-3। देखिए, +-3, अभी तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, बट क्या वाई की वैल्यू -3 कभी पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? इस केस को देखिए। सो क्या मैं कह दूँ कि जो वाई की वैल्यू है वो हमेशा 0 से 3 के बड़ी ही होगी? बात काफ़ी गहरी कह रहा हूँ मैं, समझो, यहाँ तक समझ में आया है ना? वाई स्क्वायर की वैल्यू 9 से लेस देन है। इसका मतलब क्या है कि वाई की वैल्यू -3 और 3 होगी, मीन्स -3 से 3 के बीच में पॉसिबल है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि -3 तो भैया हो ही नहीं सकती, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, हमें पहले प्रूफ कर चुके हैं, और पहले प्रूफ कर दिया। इट मीन्स वॉट? कि आपकी वैल्यू 0 से 3 ही होगी। देखो समझो, ये 0, ये 3 और ये -3। पहले क्या बोला कि भैया वाई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये 0 से बड़ी होगी, ये केस। अब क्या बोला कि -3 से 3 के बीच में होगी,
यहाँ से लेके यहाँ तक। बट ऑब्वियस है, हमेशा अगर मैं बात कहूँ तो इससे तो बड़ी ही होगी ना वैल्यू, तो वही तो मैं कह रहा हूँ वाई की वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी। समझ पा रहे हो? सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। मतलब क्या, 0 से लेकर 3 तक रेंज की, अगर वैल्यू की अगर बात करूं तो 0 से लेकर 3 तक, और डोमेन की अगर वैल्यू ऐसे बात कर लीजिए या फिर ऐसे बात कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, डोमेन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज। प्लीज़ आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर कोई भी एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आता है आपके हर बोर्ड में एग्जाम में, ठीक है। सो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को पूरा दोबारा से देखिए, है ना, काफ़ी अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना ज़रूरी है। हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे ना, फिर वो बच्चों वाला तरीका हो जाएगा, नहीं बच्चों वाला तरीका नहीं अपनाना, अब हम बड़े हो चुके हैं। सो समझ में आया आपको ये? सो क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, अब तो सिंपल क्वेश्चन है। ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0। फंक्शन ये है, आपसे पूछा क्या है, f0 मीन्स एक्स की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 0-5, सॉरी 2 0-5 है ना, सो 2 इंटू 0, 0-5 दैट इज इक्वल टू वॉट, -5। f7, 2 इंटू 7-5, 7 2 जा 14, -5 दैट इज इक्वल टू 9। -3, 2 x की वैल्यू की जगह क्या पुट करेंगे आप, -3। ये तो समझ में नहीं आया, एक इतना अच्छा क्वेश्चन दिया पीछे वाला, और इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल हलवा दे दिया, और हलवा तो कोई भी निकाल देगा इस क्वेश्चन को। तो 2 इंटू 3, -6-5 दैट इज इक्वल्स टू -11। देखिए आप वीडियो को पॉज कर करके आप नोट डाउन करते रहिएगा, है ना, और अगर आपको नोट्स चाहिए पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको, आप टेलीग्राम पर पाइथन क्लासेस के नाम सर्च करिए, पाइथन क्लासेस, पाइथन क्लासेस सर्च करिए टेलीग्राम पर, आपको जैसे मैंने सेट 1 के और जैसे जितने चैप्टर्स कवर होते जा रहे हैं, हम उनके पूरे, मैं उसके पूरे नोट्स PDF बनाकर वहाँ पर डाल दे रहा हूँ, ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट नोट्स, समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ये तो हलवे क्वेश्चन हैं। द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन टू टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट इज डिफाइंड बाई, बोल रहा है कुछ नहीं बोल रहा, बोल रहा आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है ये करके कुछ, और बोल रहा ये चीज़ें निकाल दो। T0, ये TC है, मीन्स सी की वैल्यू क्या है, 0 है। सो क्या मैं कह दूँ 9 0/5+32, सो ये तो 0 × समथिंग 0 बन गया पूरा का पूरा, तो ये क्या बन गया 32, सेकेंड पार्ट। 9, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 28/5+32, सोल्व करिए आप इसको, 28 9 5, तो हमारे पास 5 6.6 6.6 × 9, तो हमारे पास ये बन जाएगा उतना, और हमारे पास इसको अगर मैं सोल्व करूँ 66.9, ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा कुछ 8, है ना, ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इतना बन जाएगा 82.4, और अगर आप इसको सिंपली फ्रैक्शन में रखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, आप इसको मैथमेटिकली सोल्व कर लेना, ये बन जाएगा ना, सोल्व मैंने वैसे कर दिया है, इसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, एलसीएम लेना, ये आ जाएगा। चलो तो 5 एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। अब देखो इधर देखो आप, सो T-10 मीन्स वॉट, 9 -10/5+32, सिंपल है, 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया -90+5/32, है ना, सो 5 32 जा कितना हो गया हमारे पास, 160 -9 70, 70/5 इट इज वॉट 14, सोल्व कर लेना आप इस चीज़ को, 5 को 32 से किया 160, 160 को 90 से माइनस किया 70, 70/5 इज वॉट 40। अब देखो द वैल्यू ऑफ सी व्हेन TC इज इक्वल टू 212, अब हमारे पास TC की वैल्यू गिवन है, इट मीन्स वॉट, ये हमारे पास 212 गिवन है, 9C/5+32, 32 को माइनस कर दीजिए 212 में से, सो 1
80 इज इक्वल्स टू 9c बाई 5, 9 वन जा 9 20 जा 20 इंटू 5, सो सी इज इक्वल्स टू वॉट 100। समझ में आ रही चीज़ है, सिंपल है। तो 9 को 1 से किया तो 9 को 20 से किया, ये 5 नीचे था तो 5 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 20 जा 100। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था, ये भी कोई सोचने विचारने वाली बात नहीं थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। देखिए इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू, फंक्शन हमारे पास 2-3x है, एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स रियल नंबर भी है बट एक्स हमारे पास 0 से बड़ा भी है। ठीक है, इट मीन्स वॉट, 0 से बड़ा है। सुनो मेरी बात, अब सुनो आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है, मीन्स क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अब आप एक बात देखिए, आप डोमेन तो कुछ भी होगा है ना, कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। मैं एक काम कर रहा हूँ, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मैं इस फंक्शन को बना दूंगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 0 तो 3 0 ही बनने वाला है, 3 इंटू 0 0 ही बनने वाला है। इससे पहले एक चीज़ समझा देता हूँ, क्या 5 क्या 6 बड़ा है 4 से, बिल्कुल बड़ा है। जब मैंने दोनों तरफ माइनस लगा दिए, इधर भी माइनस, तो कौन बड़ा है, -6 बड़ा है -4 बड़ा है, -4 बड़ा है ना, -1 -2 -3 -4, -4 पहले आएगा, -6 बाद में आएगा, तो -4 बड़ा है। इट मीन्स वॉट, समझो ये आपके चैप्टर नंबर 6 में भी काम आने वाला है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी टर्म को, जैसे 6 और 4 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो जो इक्वेलिटी का साइन है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, इधर फेस है तो इधर हो जाएगा, इधर होता तो इधर हो जाता। इधर भी वही कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें 2-3x फंक्शन बनाना है, सो दोनों तरफ मैंने -3x से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज। इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी ये हो गया, दोनों तरफ 2 ऐड कर दे रहा हूँ, 2-3x और इधर भी 2 ऐड कर दिया। समझो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि आपके पास ये जो फंक्शन है ना, ये 2-3x क्या है, ये फंक्शन ही तो है। सो इस बात का मैं कह दूं कि फंक्शन जो हमें मिलेगा वो हमेशा 2 से छोटा ही मिलेगा, लेस देन 2 मिलेगा, हमेशा लेस देन 2। क्या 2 मिलेगा, 2 भी नहीं मिलेगा, समझो बात को, 2 भी नहीं मिलेगा। अगर मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, 1, 2, 3 और ये इधर -∞, सो 2 पर तो लग जाएगा सर्कल और 2 से छोटा हमें इस तरीके से मिल जाएगा कुछ इस तरफ। सो क्या मैं कह दूं कि जो रेंज होगा वो -∞ से लेकर 2 तक मिलेगा, बट क्या 2 इंक्लूड है, नहीं है इंक्लूड। अगर इंक्लूड नहीं है तो इट मींस व्हाट, ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, समझ पा रहे हो हर एक कॉन्सेप्ट को। सो रेंज क्या होगा, फंक्शन जो फंक्शन मिलेगा, फंक्शन क्या, यही तो था, 2 से लेस देन, तो 2 से लेस देन मींस दिस वन, समझे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज रियल नंबर। अब देखिए एक्स हमारे पास क्या है, रियल नंबर, ओके गॉट इट। रियल नंबर क्या है, कुछ भी मिल सकता है हमें, कुछ भी मिल सकता है। सो आप इसमें कुछ भी पुट करो, देखो एक्स स्क्वायर में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट क्या आपको एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव मिलेगा, मेरी बात समझो, क्या आपको एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 तो मिलेगा, इक्वल टू भी 0 मिल सकता है, बट नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा। -4 पुट कर लीजिए तब भी पॉजिटिव मिलेगा, -5 पुट कर लीजिए तब भी पॉजिटिव मिलने वाला है। सो इट मीन्स वॉट, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, या इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अब हमें क्या करना है, प्लस 2 करना है, हमें तो फंक्शन बनाना है कैसे भी करके, इस फंक्शन तक पहुंचना है। सो दोनों तरफ लिख दीजिए आप एडिंग प्लस 2 बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी प्लस 2 ही है। ये चीज़ क्या है, यही चीज़ तो हमारे पास एफ एक्स है। इट मीन्स वॉट, आपका ये जो फंक्शन है ना, कुछ भी रियल नंबर डाल लीजिए आप, जो आपका मन करे इस नंबर लाइन पे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, हमेशा 2 से ग्रेटर देन ही मिलने वाला है, और 2 भी मिल सकता है अगर आप 0 पुट करेंगे तो। समझ पा रहे हैं, फील देखो, फील करना ज़रूरी है सब्जेक्ट को, अगर आपने फील कर लिया ना एक बारी, बिलीव में आपको इतना इजी लगेगा ना, बहुत इजी। आप वैसे भी दिख रहा है कि आप 0 पुट करिए
टू मिलेगा, नेगेटिव को भी मिलना नहीं है, तो इट मीन्स फंक्शन हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन टू। अगर ये बात है सो मैं अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ 1, 2, 0 इनफाइनाइट, तो मैं क्या कह दूँ कि ये बात बोलना चाह रहा है, इसको डार्क सर्कल कर दिया और इसको इधर सब कुछ। सो इन शॉर्ट क्या मैं कह दूँ कि 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, क्योंकि 2 से बड़ा है और 2 भी इंक्लूडिंग है बिकॉज इक्वल टू का साइन है, सो क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट, इंक्लूड होता है तो क्लोज होता है ना। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज रियल, एक्स इज रियल नंबर, कुछ भी नंबर लाइन पे कुछ भी डालो आप, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे कुछ भी डालो। आपने बट डाला 1 तो 1 मिला, माइनस 1 डाला तो माइनस 1 मिला, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सिंपल। सो डोमेन जो होगा वही रेंज होगा। सो क्या मैं कह दूं इस बात की कि जो रेंज होगा हमारे पास इस क्वेश्चन में, जो डालोगे वही मिलेगा। सो क्या मैं कह दूं इन शॉर्ट रियल नंबर, यस। सो समझ में आया आपको? सो एक जाते जाते एक छोटी सी लाइन सुना के जाता हूं आपको मैं। अगर इंसान में स्वीकार करने की हिम्मत हो और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मीन्स एक्सेप्ट यूर मिस्टेक्स, अगर आपने गलती की है तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने गलती की है। होता क्या है, गलती करके भी आप ऐसे बोलते हो नहीं मैंने गलती नहीं की है, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी नहीं। सो एक्सेप्ट यूर मिस्टेक्स, ठीक है, और ट्राई टू इम्प्रूव यूर सेल्फ डे बाई डे बाई डे बाई डे। सो रिमेंबर टू थिंग्स, स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ गलती की है, तो एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ भाई मैंने गलती की है, और सेकेंड थिंग इज वॉट, सुधार करने की नीयत भी होनी चाहिए। नीयत बोला है ना, सुधार करने की नीयत मींस आप अपने अंदर से खुद के अंदर आना चाहिए कि हाँ यार मुझे इस चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, मेरी चीज़ें गलत है, मैं इस चीज़ को इस तरीके से सोचता हूँ, नहीं यार ये गलत है, मुझे इस तरीके से सोचना चाहिए, सही तरीके से सोचना चाहिए। सो ठीक है, तभी इंसान कुछ कर पाएगा। सो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी आज की, ठीक है। तो प्लीज़ अगर सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपका, कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स के लिए जितने भी नोट्स चाहिए अगर आपको, तो आप टेलीग्राम पर पाइथन क्लासेस चैनल पर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।